नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग जी। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। और आज हम दूसरी मुद्रा की बात करेंगे, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही है। एक बात किसी ने मुझसे पूछी कि डॉक्टर वायराकी, ये बताइए कि बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं तो खुद हॉस्टल की पढ़ी हुई हूँ और मेरे अंदर 90% जो टैलेंट है वो हॉस्टल की वजह से ही है। लेकिन ये क्वेश्चन कि बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए या नहीं, मैंने तमाम कोशिश करी कि देव लंदन चला जाए, अमेरिका चला जाए, और नहीं तो देहरादून के हॉस्टल्स में चला जाए। लेकिन ये जो मतलब गाली निकलने वाली थी मुझसे, पर वो नहीं निकल सकती आपके सामने। मतलब ये जो मेरा प्यारा शातिर दिमाग वाला बच्चा है, ये नहीं गया। वैसे मैं देव को गाली देती हूँ, क्योंकि गाली तो हम पंजाबियों के मुंह में ही रहती है। कुड अंडरस्टैंड दैट। हमारे घर में तो हमारी मम्मी कुत्ता कमीना, ये एक ऐसी दो गालियाँ थी जो हमेशा हमें देती थी। हमें लगता था कि माँ का प्यार, मैं देव को भी यही गाली देती हूँ और हमेशा कहती हूँ बेटा ये माँ का लाड होता है। जैसे मैं उसे चूहा कहती हूँ तो वो मुझे पलट कर बोलता है, क्योंकि अब तो आपको पता है 5 फुट 11 इंच का हो रहा है, मैं चूहा नहीं हूँ। तो मैं कहती हूँ हाथी है। तो मेरा उसके साथ ये सब चलता रहता है। लेकिन बच्चे को, मैं देव को बहुत हॉस्टल भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कामयाबी जब आपके कदम चूमती है तो उसमें अकेले रहने का ना बड़ा एक बहुत एक बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, माँ नहीं होती है। कपड़े खुद धोना, खाना खुद करना, अनजान लोगों के साथ कमरा शेयर करना, अपनी अलमारी, अपने पैसों को संभाल के रखना, ये आपको हॉस्टल जाकर जाता है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद मेरा नालायक बच्चा हॉस्टल नहीं गया। एनीवेज, लेकिन फिर एक दिन मुझे किसी ने कहा कि वो ज़माना गया राखी जब तुम हॉस्टल में पढ़ती थी। अब हॉस्टल्स में ना ड्रग्स ज़्यादा है और शॉर्टकट ज़्यादा है, तो आप अगर अभी आप हॉस्टल भेजते भी हो अपने बच्चे को, तो आप अपने बच्चे का ख़राब ही कर लेते हो काम। देखिए, आपकी इस विषय में क्या सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन अब एक ही बच्चा है, उसके चक्कर में मैंने ऑफिस घर में बना रखा है। मैं बड़ा सा ऑफिस बना सकती हूँ, मेरे पास और एक प्रॉपर्टी है जहाँ मेरा ऑफिस बन सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये है कि इसके ऊपर मेरी नज़र होनी ज़रूरी है। सामने अभी बैठा हुआ है मेरे और मुंह में हाथ दे रहा है। बताइए, 14 साल का बच्चा मुँह में हाथ देना, देव, शेम ऑन यू। सोचो क्या सोचते होंगे यूट्यूब परिवार के लोग। और मैं इसको हमेशा ये कहती हूँ कि तुम जैसे निकम्मे नलायक बच्चे हो। लोग कहते होंगे अपना बच्चा तो सुधार नहीं पा रही, देश सुधारने चली हैं। तो भैया, मैं आपको भी बिल्कुल सुधार नहीं रही हूँ, मैं आपको राह दिखा रही हूँ, इसको भी दिखाती हूँ। जिसे समझना है वो समझ जाएगा, जो ना समझे वो अनाड़ी है। बट मेरा ना लाखों में एक है बेटा, लाखों में एक। देखिए, रहना तो मुझे इसी के साथ है ना, तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये फ़ोन बिल्कुल नहीं लेता है और मेरी बात सुनता है, क्योंकि मेरे बच्चे का मुंह इतना सा हो गया, ऐसे मनोबल थोड़ी तोड़ सकती हूँ मैं उसका। यू आर बेस्ट देव एंड आई एम हैप्पी यू आर माई सन। तो भाई उसका मनोबल बढ़ा दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहिए गालियाँ दे देकर, बिना गालियों के इन लोगों को। क्योंकि कितना भी कुत्ते की दुम को एक नली में रख लो, वो जब निकलेगी तो टेढ़ी होगी। तो मैं इसके ऊपर ना आइस पूरी रखती हूँ, एक मिनट के लिए से नहीं छोड़ती। अगर ये 5 मिनट बाथरूम में लेट कर दे तो मैं तो पूरा घर ऊपर नीचे कर देती हूँ। क्या कर रहे हो, बाहर आओ, दरवाज़ा कुंडा तोड़वा दूंगी, बाहर आओ बाहर आओ। तो मुझसे कई जगह पे ना बड़ा परेशान है वो। लेकिन जब वो मेरी एज में आएगा ना, तो उसको ये समझ में आएगा कि मेरी माँ जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरी माँ स्ट्रिक्ट थी, तो इसलिए मैं आज ये बन पाया। देखिए, अभी अंगूठी ना मेरे हाथ में टाइट हो गई। वो मुझे इशारा कर रहा है कि टॉपिक पर आओ, टॉपिक पर, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है बाद में वीडियो डालने में। तो देवा, ये तो मुद्राओं पर वीडियो है, तो मैं आसानी से पता लग जाएगा। देव की तरफ से आप सबको नमस्कार, प्रणाम। इस नालायक की एग्ज़ाम है, इसे आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि इसका कुछ भला हो जाए, और ख़ासकर मैथ्स में हो जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ मुद्राओं की। आज हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। तो ज्ञान मुद्रा के लिए पहले मैंने अपनी ये रिंग उतार दी, क्योंकि हम जब किसी को बोलते हैं होए सोने हो, कितने सोने लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो, तो हम ये दिखाते हैं। एग्जैक्टली यही ज्ञान मुद्रा है। तो ज्ञान मुद्रा का संबंध जो होता है वो आपकी बुद्धि से होता है। इस मुद्रा में बैठकर अगर आप थोड़ी देर भी योग करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि तेज होती है। और इंग्लिश में भी इसे मुद्रा ऑफ नॉलेज कहते हैं, मतलब नॉलेज की मुद्रा है ये। ओए होए, पटाखा लग रहे हो, क्या लग रहे हो। हम जब ये करते हैं ना, तो बस हमें ऐसे सीधा बैठकर ये मुद्रा 5 मिनट करनी है। इससे हमारी नॉलेज और हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, बुद्धि का विकास होता है, और हमारे अंदर जो है ना
एकाग्रता आती है। कहते हैं ना, मेरा मन बड़ा इधर उधर डोलता है, बड़ा चंचल है, पढ़ने बैठता हूँ पर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं या किसी बड़े IAS एग्जाम या ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन्हें ये मुद्रा 15-15 मिनट जरूर करनी चाहिए। ये मुद्रा हर छात्र को करनी चाहिए। आजकल मैं देव से ये मुद्रा रोज करवा रही हूँ, अभी भी सामने इसी मुद्रा में बैठा हुआ है। स्मरण शक्ति इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, BP और शुगर की बीमारियाँ इससे खत्म होती हैं। तंत्र का ज्ञान रखने वाले लोग इस मुद्रा को खासकर करते हैं, जो तंत्र योग करते हैं वो इस तरह से बैठते हैं ओम, और अगर मन से कुछ नहीं बोलना ना, चुपचाप थोड़ी देर बड़ी सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरह से इस मुद्रा में ज़रूर बैठे हैं आप, और मुद्रा को करने का सही समय जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ज्ञान मुद्रा जो होती है छठी इंद्री को हमारी तेज करती है। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये ज्ञान मुद्रा ज़रूर थोड़ी देर करनी चाहिए, क्योंकि बंदा आपके पास बैठे और आपकी छठी इंद्री इतनी तेज़ काम करे कि आप उसको देखते ही बता दें कि उसका क्या सवाल है, आप क्या उसे बताने वाले हैं। इसे रोज़ 40 मिनट करने से आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा, आप उसका दिमाग पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा। बट मिनिमम 40 मिनट इसे रोज़ करना है। और ऐसा ना आला जी का खाला नहीं है, ये ऐसे करके बैठो, हाथ की नसों में दर्द होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, मन इधर उधर भटकने लगता है, और हमें लगता है कि हम ये मुद्रा कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअली हम नहीं कर पाते। मैंने अनिल से बोल दिया, इस साइड में आप ये मुद्रा देख सकते हैं कि इसे करने का क्या सही तरीका है। तो ये वीडियोज़ चल रही है, इन्हें साथ साथ ज़रूर देखिए। इस मुद्रा को या किसी भी मुद्रा को करने की सावधानी समझ लीजिए। खाली पेट अगर ये मुद्रा की जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, या कम से कम भोजन करने के आधे घंटे बाद। और अगर ये मुद्रा आप कर उठे हैं तो तुरंत आप चाय नहीं पी सकते, मुद्रा करने से आधा घंटा पहले या मुद्रा करने के आधा घंटे बाद ही कुछ ग्रहण करें, उससे पहले ना करें। अगर मुद्रा करते वक्त आपको दर्द हो रहा हो तो मुद्रा को ज़बरदस्ती ना करें, मुद्रा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा हो। मुद्रा को साफ सुथरे कपड़ों में, मैट पर बैठ के, ज़मीन पर बैठ कर, पार्क में बैठ कर, छत पर बैठ कर, हवादार जगह पर किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। गर्दन में अगर दर्द होने लगे तो ये मुद्रा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस मुद्रा के बारे में आपको दूसरे को ज़बरदस्ती करवाने के लिए ज्ञान नहीं देना। जैसे मैं देव को बोलती हूँ, देव हार्डली 5 मिनट्स बैठो बेटा, बस ऐसे 5 मिनट बैठ के लंबी लंबी सांसें लो, छोड़ो। एक हल्का सा म्यूजिक चला सकते हैं, इस तरह से खूबसूरत सी कैंडल्स आप जला सकते हैं इस मुद्रा के लिए, तो ये भी आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली होगा और आपको इस मुद्रा से अपनी ज़िंदगी में बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। अगली मुद्रा की बात करते हैं, और अगली मुद्रा है प्राण मुद्रा। अब हम प्राण मुद्रा की बात करेंगे। प्राण मुद्रा के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मुद्रा आप देखिए कितना आसान है, कि हमारी जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली को अंगूठे से पकड़ना है, और सभी जो भी मुद्राएं हम करेंगे उसके अंदर अंगूठे का बहुत ही गहरा संबंध है। प्राण शक्ति बढ़ती है इससे। आपने ये उंगली और ये उंगली, ये तीन उंगलियों को मिलाकर प्राण मुद्रा बनाना है। ये दो उंगलियां वी शेप बनाएंगी, वी शेप, इंग्लिश वाला वी। ध्यान से एक बार इस फोटो को देख लीजिए, बाकी अनिल साइड में वीडियो चलाएगा। प्राण शक्ति बढ़ती है। इस मुद्रा को छोटी उंगली के साथ और कनिष्का उंगली के साथ, अनामिका उंगली के साथ मिलाकर आपको इससे जोड़ी के साथ, मतलब तीन उंगलियों के समावेश से ये उंगली बनती है, और आपका जो वी बचता है वो यूं बन जाएगा, विक्टोरी, मतलब वी। तो इस तरह से इस मुद्रा को किया जाता है, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। किसी इंसान के प्राण जान को खतरा हो तो उसको ये मुद्रा करनी चाहिए। ये मुद्रा कम से कम 48 मिनिमम करनी चाहिए, वही सुबह करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये मुद्रा की जाए बहुत अच्छा, छत पर की जाए, खुले में की जाए तो बहुत ही अच्छा। और अधिक से अधिक फल अगर आप इस मुद्रा का पाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 16 मिनट इस मुद्रा को सुबह और 16 मिनट शाम को करना चाहिए, और खाने से आधा घंटा पहले और इसको करने के आधे घंटे बाद खाना चाहिए। आपकी नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेज होती है ना, कहते हैं कि मेरे दिल में स्टन डल रहा है, मेरे दिल में ब्लॉकेज आई है, तो वो सारी ब्लॉकेज इस मुद्रा को करने से बिना किसी स्टन डले खुल सकती हैं, यानी कि आपके हार्ट तक को ये मुद्रा सही कर सकती है। तो इस मुद्रा को ज़रूर करें। शरीर को शुद्ध करती है, साफ करती है, पेट में एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, पेट की सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। पैरों में अगर जलन हो रही हो, पिंडलियों में अगर दर्द हो रहा हो, वो सही हो जाता है। शरीर में पसीना ना आ रहा हो तो पसीना आना शुरू हो जाता है, और पसीना बहुत ज़्यादा आता हो तो पसीना आना खत्म हो जाता है। गर्भ अवस्था में कोई भी मुद्रा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो इन वीडियोस को ध्यान से बिल्कुल ना देखें। आप प्रेगनेंसी में कोई भी मुद्रा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं कर सकती, लेकिन पीरियड्स अगर आपको हो रहे हैं और अगर आप ये मुद्रा करते हैं, जिस मुद्रा का नाम मैंने आपको बता दिया है कि यह खूबसूरत
मुद्रा है और जिसका नाम है प्राण मुद्रा। तो आपके पीरियड्स का दर्द खत्म होता है, पीरियड्स का ओवरफ्लो खत्म होता है। नाभि आपने बचपन में सुनी होगी कि बचपन में हमारी नाभि गिर जाती थी। अगर बचपन से आपकी नाभि गिर जाती है या गिरने की आपको नाभि की प्रॉब्लम है तो भी ये मुद्रा करने से आपकी नाभि नहीं गिरती और नाभि सही हो जाती है। इससे मूलाधार चक्रा आपका एक्टिव होता है और ये मुद्रा बहुत ही बलशाली है। सावधानी, मुद्रा खाली पेट करनी है या करने के आधे घंटे बाद खाना है। मुद्रा को ध्यान से करना है, ओवर नहीं करना है और मुद्रा आंखें बंद कर कर करना है। मुद्रा सुबह करें, खाली पेट करें तो अच्छा है और कोई भी मुद्रा आप करें, लाल आसन पे करें तो और भी अच्छा है। मुद्रा करते वक्त बातें ना करें, फ़ोन बार बार ना लें, अपनी पोजीशन अपनी जगह बार बार ना बदलें तो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। चलिए, और इन मुद्राओं को ज़रूर करें, आगे भी आपको मुद्राओं की वीडियो मिलती रहेगी। और मुझे बताइए कि आपको मुद्रा कर कर कैसे लगा। बहुत सारी समस्याओं का हल ना सिर्फ ज्योतिष नहीं होता, कई बार मुद्राएं भी होता है। तो आप लग रहे हैं ये और आपकी जिंदगी हो जाए रॉक, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। वजन घटाने की मुद्रा का सस्पेंस अभी चालू है, मैं आपको आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगी। जय माता दी।